हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखते हैं शंख को बजाना विद ट्यून्स कैसे बजाना है। तो फर्स्ट आपको शंख का साउंड, आप जब बजाते हैं शंख तो क्लीन साउंड आना चाहिए, क्लीन। तो एक बार वो साउंड आने लगे तो थोड़े सेकंड्स के बाद आपको ट्यून फ्रेम करना है, मतलब आपको जो ट्यून ब्लो करना है और फिर उसी पैटर्न में आपको फूकना है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ कैसे फूकना है। ये हमारा शंख है, श्री गुरुदेव दत्त और ओम नमः शिवाय। तो आपको क्या करना है, उसी पैटर्न में आपको फूकना है, जैसे कि अभी ओम नमः शिवाय। और प्रेशर आपको जितना लगाना है शंख फूकने में सेम लगाना है, बस उसी पैटर्न में आपको एयर को फूकना है। अभी एक ट्यून में आपको दिखाता हूं, जैसे कि एक ट्यून निकालने के बाद आपको थोड़ा देर रुकना है, फिर सेकेंड ट्यून, ऐसे कंटिन्यूअसली नहीं बजाना है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके उसको आप बजा सकते हैं। अभी मैं एक ट्यून दिखाता हूँ आपको, कोई भी ट्यून फ्रेम कर सकते हैं और उसको आप ब्लो कर सकते हैं। तो ये हो गया हाउ टू ब्लो शंख विथ ट्यून्स। अगर आपको कोई कमेंट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हर एक शंख का साउंड अलग रहेगा। अभी ये बड़ा है तो थोड़ा सा बूम साउंड आएगा, छोटा रहेगा इससे तो थोड़ा शार्प आ सकता है। तो साउंड शंख के ऊपर डिपेंड है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कोई कमेंट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बाय बाय।